हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी, एक तुम हो, हमारी जिंदगी को हमसे छीन कर ले जा रहा। नहीं पापा, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई है। आपको क्या लगता है ये मुझे लेकर भाग रहा था? ये जिस लड़की से प्यार करता है वो इसका इंतजार स्टेशन पर कर रही है। प्लीज इसे जाने दीजिए। मालिक, देवी मैडम सही कह रही है। मालिक, वे है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं मालिक, आपकी आज्ञा हो तो। प्लीज पापा, प्लीज तुम जाओ। लेकिन सरताज साहब, तुम जाओ लवली। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद दिव्या मैडम, आप लोग बहुत याद आओगे। बेचारी दिव्या, उसके साथ उस दिन जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लवली की जान बचाने के लिए उसे अपने पिता से झूठ बोलना पड़ा। जो हमारी जिंदगी को हमसे छीन कर। नहीं पापा, आपको क्या लगता है ये मुझे लेकर भाग रहा था? ये जिस लड़की से प्यार करता है वो इसका इंतजार स्टेशन पर कर रही है। तुम जाओ लवली। सरताज साहब, आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? ये जो भी बोलता है सच ही बोलता है, मगर कोई तो झूठ बोल रहा है। लगे? जी मालिक। तुम स्टेशन पर जाओ और जाकर देखो वाकई वहां कोई लड़की है तो इसे जाने दो, नहीं तो। जी मालिक। दिव्या ये ओके ना? पता नहीं सविता को कैसे मालूम पड़ गया। माया, तुम्हें इसी वक्त रेलवे स्टेशन जाना होगा जहाँ लवली मेरा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? लेकिन लवली की जान खतरे में है। पापा ने अपने आदमियों से कहा है अगर उसके साथ कोई लड़की नहीं दिखी तो उसे मार दे। ओह माय गॉड, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रही हूँ कि अगर वहाँ छाया नहीं पहुँची तो लवली अपने आप को कुछ कर न ले। जाकर उसे सब कुछ बता दो कि मैं ही छाया हूँ। दिव्या, लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगा? ऑफ कोर्स मानेगा, मैं खुद उससे फोन कर देती पर उसका फोन मुझसे ही खो गया। एक काम करो, मैं तुम्हें फोन करूंगी और उसे सब समझा दूंगी। नाउ गो गो। हाँ भाई, सिग्नल दे दो। हाँ भाई साहब, ये लास्ट ट्रेन है। Thank you.
देख सकती थी कि तुम ही छाया। लवली, मैं छाया? सरताज साहब, दिव्या की फ्रेंड माया उसके साथ है। बेस्ट फ्रेंड के साथ वो किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता, वरना ऐसी मेरी किस्मत कहाँ थी कि तुम्हारे डैडी जैसा पति मुझे मिले। मैं उन्हें उस दुनिया से, उन लोगों से बहुत दूर ले आई जहां कोई हमें ढूंढ न सके, और फिर मेरे किए की सजा मुझे मिली। मेरी ये बीमारी मुझे जल्दी खा जाएगी। मैं तुम लोगों के साथ बस कुछ ही दिन रह पाऊंगी। ये डायरी तुम्हें मेरे चले जाने के बाद मिलेगी बेटा। इसे पढ़ने के बाद फेंक देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे डैडी कभी मुझे नफरत से याद करें।